फोन बजा किसका है? उसी का है। हेलो अश्विन, कहाँ हो? घर पे हूँ। आज पापा का रिटायरमेंट फंक्शन है, मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। मैं भी तुमसे कुछ जरूरी कहना चाहता हूँ, पहले तुम बता लो। दुनिया के सामने अपना लव डिक्लेयर करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा एज डिफरेंस है। लव में एज इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अश्विन दादा इज ऑन द वे। हाय रम्या, कैसा लग रहा हूँ? अश्विन, आज तो बड़े डैशिंग लग रहे हो। थैंक यू। एकदम दूल्हे की तरह। तो सुपर। यही कहोगी अब सबके सामने? मुझे लगा कि ये रिटायरमेंट फंक्शन सही मौका होगा। पापा को तो शौक जरूर लगेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनकी चॉइस के लड़के से शादी करूं। एक बात बताऊं, उन्हें लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्यार थोड़ा अलग प्यार है। एज डिफरेंस की वजह से लोगों को गॉसिप करने का मौका मिल जाएगा। डैड तुमसे भी पूछेंगे, मेरा फ्रेंड होकर तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मैं तो कह दूंगी कि ये बात तो तुम्हें भी अब तक नहीं पता थी। मुझे तो बहुत कुछ नहीं पता। ये मेरा डिसीजन है। जब तक फीलिंग्स कनेक्ट ना हो, किसी से शादी कैसे कर सकते हैं? रम्या, तुम बहुत मैच्योर लड़की हो। इस उम्र में इतना बोल्ड डिसीजन कोई हिम्मत नहीं करता। That is what makes you special. कहना तो बहुत आसान है, पर इतना बड़ा एज गैप। एज गैप से शादी करने वाली तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो। दुनिया बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है। हाँ, कुछ लोग इसे खराब जरूर कहेंगे, पर उन्हें क्या पता प्यार क्या होता है। प्यार में उम्र की सीमा नहीं होती। तुम्हारे प्यार पे भंसाली जी एक फिल्म बनाएंगे, यूनिक लव स्टोरी। लोग तुम्हें सदियों तक याद करेंगे। पर क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो, यही बात मैटर करती है। अगर यहाँ कोई इशू नहीं हुआ तो इसी फंक्शन में हम एंगेजमेंट ही कर लेंगे, ठीक है? सरप्राइज पे सरप्राइज के बॉम्ब फोड़े जा रही हो। मैं तो अपने साथ रिंग भी नहीं लेकर आया। डार्लिंग, सब तुम क्यों करोगे? मैं लाई हूँ ना। नॉटी। एक सेकंड, जरा अपना कोट देना। कोट? किस लिए? सरप्राइज। एक और सरप्राइज। ओके, देखते जाओ। झटका मत दे देना। ये लो। आती हूँ। हाँ। Just 5 minutes, okay? Take your time. गुरुजी, गुरुजी आप यहाँ? आपने मुझे मरने से बचाया, प्यार का मतलब समझाया, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। आप पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो। हो गया ना, अब जाओ, जाओ। दिमाग में क्या चल रहा है? और ये उसी दिन से धक्का दे देना चाहिए था, पता नहीं क्या होगा। ए अश्विन, हमेशा लेट आते हो, कभी टाइम पर नहीं आ सकते? मैं टाइम के हिसाब से नहीं आता, टाइम मेरे हिसाब से आता है। सर, ड्रिंक सर। ये शराब वगैरह की वजह से ही मेरे बॉडी की वाट लग गई है। आज से नहीं शुरुआत। मैंने जब तय कर लिया है कि शराफत वाली जिंदगी जीऊंगा, तो तू ये शराब क्यों लेके आया? अच्छा सुन, इधर आ। ड्रिंकिंग लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ, गेट आउट। आज यहाँ सब रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स को देखकर खुशी हो रही है। इस रिटायरमेंट फंक्शन में कुछ पर्सनल कहना चाहती हूँ, जिसे पापा भी नहीं जानते। आप सबके लिए तो ये एक सरप्राइज होगा, पर पापा के लिए ये एक शॉक होगा। पापा मेरे लिए कई रिश्ते लाए जिन्हें मैंने मना कर दिया, क्योंकि आई एम इन लव पापा। आपको बता सकती थी, लेकिन एज का इशू है। वो यहाँ मौजूद है आज, सो सॉरी पापा। सबके सामने शर्मिंदा करने का यही मौका मिला? मुझे लगा यही सही मौका है। आप उसे जरूर पसंद करेंगे, मेरा बहुत ख्याल रखेगा वो। कुछ दिन पहले ही उससे लव हुआ, लेकिन ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। बस एक ही प्रॉब्लम है, एज डिफरेंस। इस एज गैप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचेंगे मैं नहीं जानती। मैं उसे स्टेज पर बुलाऊंगी। आ जाओ शिवा।
ये है शिवा, माय लव। अश्विन दादा तक को नहीं पता था। बताइए दादा कैसा लगा? मुझे तो लगा था कि उस दादाजी को अपना लवर बताने वाली हो, बेकार में टेंशन लिया। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, मैं और दादा? कभी नहीं, आपने पूछा था ना फोन का बिल इतना क्यों आ रहा है। तुम प्यार में कभी नहीं पड़ सकती, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप फिक्र मत कीजिए पापा, आप नहीं समझेंगे। हा? वो यूएसए में है, आपको रुकना पड़ेगा। कंफर्म होने पर मैं खुद ही आपको बता दूंगी, तब तक मैटर को भूल जाओ। उसकी फोटो देखी? देखी, बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। कहा था ना, देखा, वो तुम्हारी फोटो कॉपी है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। ओके। अच्छा एक बात तुमने नोटिस की कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम ऐसे ही दिखोगे? तुमने अश्विन दादा को हमारे बारे में बताया? अभी तक तो नहीं। तुम्हारे और शिवा के बीच में कितने साल का अंतर है? दरअसल शिवा मुझसे एज में 7 साल छोटा है। अच्छा तो ये बात थी, मैं तो कुछ उल्टा ही सोच रहा था। तो तुमने सही कहा, इट्स वेरी नाइस। पापा मान भी गए। प्लीज हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। ओह सॉरी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं शिवा थोड़ा अकलाता हूँ और रम्या से बहुत प्यार, सॉरी, थैंक यू। ओके है ना? अश्विन, ओ सर, ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये आप ही ने कहा था सर। मैं नहीं कहा था, लेकिन शराब से भी ज्यादा इंजूरियस चीज वो क्या सर? वो है लव। कभी किसी से प्यार किया है? नो सर, माँ ने जिससे कहा उसी से शादी की मैंने। ऊपर वाले ने बचा लिया तुझे, यू आर लकी। जा 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 जा, यहाँ पे सबको ड्रिंक पिला। ओके सर, जा। ओके। उठवा लूंगा। क्या मेकअप मैन? इस उम्र में प्यार करना पहाड़ चढ़ने से मुश्किल होता है, वो भी जब बाल सफेद हो गए हो, चेहरे पर झुर्रियां हो और अपना एंग सामने नजर आता हो। आईने में अपने आप को देखता हूं तो लगता है कि सब खलास हो गया है। तभी आसमान से एक परी उतरी और उसने अपुन की जिंदगी में एंट्री मारी। अपुन ने उसको पता नहीं चलने दिया कि अपुन उससे कितना प्यार करता है। हर नाकामयाब आशिक की तरह अपना प्यार भी वन साइडेड ही रह गया। आज के जमाने में लड़कियों का दिल जीतना तो ऊपर वाले के लिए भी मुश्किल है, तो सोचो जिस आदमी को वो दादाजी कहती है उस आदमी के लिए अपने मुंह से आई लव यू निकालना कितना मुश्किल रहा होगा। पर मैंने उसे वो कहने पे मजबूर किया। उस दिन तो वो अपुन को किस भी करने वाली थी। सोचा था लाइफ का लास्ट इनिंग्स एकदम धूमधाम से शुरू करूंगा, पता नहीं कहां से
मेरे प्यार के हाईवे पर ये स्पीड ब्रेकर आ गया, एक विलन की तरह, जो हूबहू मेरी तरह ही दिखता है और मेरी आंखों के सामने से मेरी परी चुरा ले गया।